को मेरे शाम हंसाते हैं। क्या कहा? कि रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं। और जीवन में जब कोई नहीं आता तब मेरे शाम ही आते हैं। रोती हुई आंखों को जुड़ने की कोशिश करना। एक राइटर ने बड़ी अच्छी लाइनें लिखी, गाती हूँ, सुनिएगा। दुनिया का नियम है सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में ये मुख मोड़ेंगे। और दुनिया वाले तेरे होके तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। सच्चाई तो ये है कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे। नाते हैं नातों का क्या, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कहते हैं कि मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, कि मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है। और सच्चाई तो यह है कि धोखा वही लोग देते हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए किसी और पे भरोसा करने से अच्छा भरोसा श्याम बाबा पे करा जाए। प्रबल भरोसा विश्वास प्रभु पर किया जाए। जब द्रौपदी की लाज चीर हरण हो रहा था, द्रौपदी ने दोनों हाथों से अपनी साड़ी पकड़ रखी थी और गोविंद को पुकारा, गोविंद मेरी लाज बचाने आ जा। बाबा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि द्रौपदी को अपने दोनों हाथों पर विश्वास था, नहीं आया। द्रौपदी ने अपना एक हाथ छोड़ा, एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ी, बोला गोविंद मेरी लाज बचाने आ जा। बाबा नहीं आया। द्रौपदी को अपने एक हाथ पर विश्वास था। जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़े, बाबा से बोला बाबा मेरी लाज बचाने आ जा, अब मेरी लाज तेरे हाथ में तू जाने और तेरा काम जाने। उस समय बाबा दौड़ा दौड़ा उसकी लाज बचाने आया। एक बार जयकार लगाना, बोलो लाज बचाने वाले की, बोलो हाथ पकड़ने वाले की। आओ जरा मिलकर अपने अपने भाव से ताली बजाकर कहना, रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं। रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते लेना। बाबा एक एक की अर्जी सुनना, एक दो तीन जरूर आएगा और बुरा समय है तो अच्छा भी जरूर आएगा। लेकिन बुरे समय में पता लगता है अपना कौन और पराया कौन है। सच्चाई तो ये है, सुनिएगा क्या। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। जब जेब से पैसों के पत्ते चढ़ जाते हैं। और बाबा मतलब से सभी माधो, यहाँ रिश्ता
निभाते हैं। मतलब से सभी माधो यह रिश्ता निभाते हैं। ओ जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं। रोती हुई आँखों को यहाँ पे सब बैठे हैं, हमसे बड़े बड़े सपने अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ मुसीबत देखी है, लेकिन जिसने चमत्कार महसूस किया है वो प्रेमी कहता है बाबा दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। बोलो दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। वो रस्ते से उठा कर सीने से लगाया है। वो रस्ते से उठा कर कैसा है भाई तू कैसा, क्योंकि ये दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रोल है। जब कुछ नहीं हो तो कोई काम नहीं आएगा, जब एक मुकाम पर चले जाओगे जो पूरे समय में धुतकारते थे वो भी आके आपके आगे पीछे घूमने लग जाएंगे। लेकिन हम जैसा बच्चा कहता है, मैं कहती हूँ आपके साथ कोई बुरा करे तो भी उसके साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब देखते और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आपके साथ जो बुरा करेगा वो सब देखते हैं। आप किसी के साथ बुरा मत करना, जब आप किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो वो आपका हाथ कभी छोड़ेगा नहीं। परीक्षा लेगा लेकिन हाथ कभी छोड़ेगा नहीं। जिन नजरों को अपनापन जताते हैं। अब वो ही गले लग गए हो अपनापन जताते हैं। ताली लगाओ सारे। किसी किसी विश्वास के जब कोई नहीं आएगा बाबा आएगा, आप लोग कहना क्या? जब कोई नहीं ओ मेरे शाम ही, कहना क्या? ओ रोती हुई मेरे शाम बाबा। ओ जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही हो रोती हुई आँखों को।
ऐसा कभी कभी मन होता है कि हमें रोना है बाबा तेरे सामने। दुनिया में किसी के सामने मत रोना, इसके सामने रोना। और बाबा से कुछ मांगना है कि बाबा कुछ दे, तो ये मांगना कि बाबा ओ कुछ दे या ना दे शाम, इसे अपने दीवाने को कुछ दे या ना दे शाम, इसे अपने दीवाने क्या मांगोगे को, वो तो आंसू दे दे चरणों में चढ़ा। सुनिएगा, ओ नरसी ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे, ओ मेरे श्याम, नरसी ने बहाए थे, मीरा ने बहाए। सुनिएगा, ओ जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए, जब जब भी कोई रोया बाबा तुम दौड़ के आए। काफी है दो बूंदे घनश्याम मेरी जाने को, काफी है दो बूंदे घनश्याम मेरी जाने। और बाबा हमें दो आंसू दे दे चरणों में चढ़ाने, चरणों में चढ़ाने। सुनो, कौन कौन अपने मन की बात आज बाबा से करने आया, दोनों हाथ उठाना। जो जो मन की बात करने आए, मन की बात कह देना, जैसे भाव उसे भाव में कहना। क्या मन की बात सावरी है ने आज सुना कर वे बताओ। आज पहली बार कुछ कुछ पहले भी कीर्तन में गए हो भैया सारे। चिंता परेशानी सबके जीवन में, बाबा सबकी जानता है, सब देख रहा है अंदर अंदर, सबको पता है आपके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है इस समय। लेकिन जो जो हार कर बैठा है, जिसे पता है कि बाबा मैं पूरा हार चुका हूं, मैं तेरे दरबार में बड़े समर्पण भाव से आया हूं, वो सुनिएगा। क्या इसके आगे हार जा, तन मन अपना हार जा। सुनो, इसके आगे हार जा, तन मन अपना हार जा। लाख हो गहरा समंदर तू बिना पतवार जा, लाख हो गहरा समंदर तू बिना
के बाबा दुनियादारी छोड़ कर आया हूँ, लेने आपको मुझे आना पड़ेगा। बाबा बोले कि दुनिया तो खाटू आती है, तो मुझे रिंगस क्यों बुलाता है? तो बच्चे बोले, बाबा हार कर ठोकरे खा कर तेरे दरबार में बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूँ, और मैं बच्चा हूँ, और एक बच्चा ही अपने पापा से जिद करता है ना। तो जो जो बच्चे बनकर आए हैं, मेरी माताएं बहनें, जिन्होंने भजन सुना वो भी गाना, जिन्होंने नहीं सुना अपना पड़ोसी का सुन के गा देना, और ताली भी बजाना, और अगर आप बजाओ पड़ोसी नहीं बजाए तो आपकी जिम्मेदारी पड़ोसी से भी बजवाना। आओ जरा। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, खाटू श्याम मित्र मंडल। कितने टाइम से बना भैया? अभी बना, पहली बार 2 महीने पहले मंडल बना, और इतना बढ़िया कीर्तन करा, इनके लिए ताली बजाओ। अब इन भाइयों में से कौन कौन चाहता है कि आप भी कीर्तन कराओ अपने घर पे, मंडल बना के चाहते हो? अरे मंडल बनाकर मत करना, इस समिति से जुड़ जाना। आज अधिष्ठान अनुष्का को बुलाया, एक दिन कन्हैया मित्तल को बुलाना, और कहना सारे साथ में, तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, तू कृपा कर बाबा मैं कीर्तन करवाऊंगा।
स्वीकार करोगे तो फूल कहाँ से मंगाना चाहोगे? अरे निखिल, अनुष्का, हाँ मैं बताती हूँ, ये ना लंदन से फूल मंगवाए। ऐसा? हाँ पक्का? कौन कौन मंगाएगा? अच्छा लंदन से मंगाओगे कि घाटू से मंगाओगे? ये बात क्या कहने कहना चाहते थे कि घाटू के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, घाटू श्रृंगार कराऊंगा, मैं कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते, कुछ आपको बोलते हैं कीर्तन कर और बढ़ा कर मैं तेरे साथ हूं, कुछ लोग टांग खींचने लग जाते हैं, क्या इतने पैसे खर्च करना, क्या करना, कीर्तन करके घर में भजन गा लो। दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं तो बुरे भी होते हैं, लेकिन जब कोई बुरा बोले ना तो सुनना, उनको कहना और बाबा से भी कहना, बाबा हमें क्या मतलब, हमें तो बुलाना है आप आओगे, और हम तो एक ही बात कहते हैं, मतलब की दुनिया से मतलब की इस दुनिया से हमको तो नफरत है। और कहना, अरे ओ सांवले, ओ मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवले हमें तेरी जरूरत है, अरे ओ सांवले मुझे तेरी जरूरत है। तार की बोलो, मोर विनंदन की। तुझसे पूछता हूँ, एक बच्चा हूँ, जिद करके विश्वास से कहता हूँ, सुनिएगा, कि साथी हमारा कौन बनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अरे बाबा कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, किसी से मदद मांगने जाओगे अगर मदद कर देगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको ताना जरूर मारेगा कि मैंने उस समय तेरी मदद करी थी, लेकिन इसके दरबार में आके जितना मांगोगे गलती करोगे तो भी माफ कर देगा, लेकिन हाथ नहीं छोड़ेगा। आज आए हो इतने समय तक, इतनी सर्दी में रुके हो, पूछ लेना अपने अपने भाव से कि बाबा तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, के साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, कौन सुनेगा। आओ जरा, जो जो सुनाने आया है दिल की बात, जो जो विश्वास से आया है, अपने अपने भाव से, अब नहीं बोलूंगी ताली बजाओ, अब वही ताली बजाना जो सच्चे और श्रद्धा भाव से आया। आओ, के साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, सुनोगे तो कौन सुने, बोला तुम ना सुनोगे तो कौन सुने, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुने। जाना भाव से, एक दो जय हो,
ताली सारे बजाओ ताली, साथ में कह देना बाबा से, पूरे भाव से गा देना, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, बाबा जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, और कहता है बाबा से, बाबा पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, अरे अपने हाथ से हाथ पकड़ना, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा हाथ उठाना बाबा से, किस किस को लगन लगी, जिसे जिसके तार जुड़े हैं ताली बजाओ, ताली बजाओ धीमा धीमा, कहना ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ खाटू वाले तू दीपक और बाती साथ रहे, जैसे दीपक और बाती साथ रहे, ओ मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, जय हो, बोलो खाटू नरेश की, Thank you.
कीर्तन में गया हो लेकिन आज कीर्तन में बहुत लगन लगी हो, आनंद आया हो, ऐसा कौन कौन है जो जहाँ बाबा का कीर्तन होता है वहाँ चले जाते हैं? इधर वाले भी जाते हैं, ये नहीं सोचते कितना दूर है कितना पास है, अगर कोटा होगा तो कोटा भी चले जाएंगे। ये प्रेमी पता है क्यों जाते हैं? तुमसे मिलना बातें करना ओ बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना ओ बड़ा अच्छा लगता है। बाबा, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये पागलपन मुझे कैसे लगा। पहले इतनी पूजा सेवन नहीं करता था लेकिन जब से आपसे जुड़ा मुझे खुद समझ नहीं आता, आपकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर क्यों मगर जो भी है वो बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। और एक प्रेमी जो जिंदगी भर चरणों की सेवा करता है, जैसे हमारे दरबार वाले भैया दिन रात भोग लगाते होंगे, सेवा करते होंगे, ऐसे मेरी माताएं बहनें घर में भोग लगाती होंगी, पूजा पाठ करती होंगी, भैया मंदिर जरूर जाते होंगे, कुछ भी काम धंधे पर गए पहले मंदिर गए, वो प्रेमी कहते हैं जिन्हें सच्ची लगन है। क्योंकि कलयुग में हर इंसान पूजा पाठ धर्म की ओर नहीं जा रहा, कुछ लोग हैं इधर जाते हैं तो कुछ इधर भी जाते हैं, लेकिन जो धर्म की तरफ है वो कहते हैं जब तक सांसें चलेगी, जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा शाम। कहना मेरे साथ, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा। कह देना क्या कि तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ओ बाबा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोलो खाटू नरेश की।